हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम पुरानी बेकार फटी हुई मिक्सी का यूज करने वाले हैं, और हम सभी लोगों के पास में इस प्रकार की फटी हुई पुरानी मिक्सी होती है जिसका कोई यूज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हम इस प्रकार की जो मिक्सी होती है ना, तो उनसे भी हम बहुत सी चीज़ें बना के रेडी कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आज की ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। और बिना सिलाई मशीन के आज हम इस वीडियो को बनाने वाले हैं, और बहुत ही यूजफुल से कुछ आइडियाज़ हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मिक्सी को, या आपके पास नाइटी है तो उसे आप उल्टा कर लीजिएगा, और इस प्रकार से एक डोरी लेना है, और ये देखिए इस प्रकार से हमको गठान लगा लेना है एक। तो गठान लगाने के बाद ये देखिए, इस प्रकार से अच्छे से गठान लगा लीजिएगा, और फिर हम इस नाइटी को सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से हमको इसे कपड़े को सीधा कर लेना है, और ये देखिए एक ठेले के जैसे ये बन के रेडी हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे पुराने कपड़े रखे हुए हैं, और जो लोग सिलाई करते हैं तो बहुत सारी कतरन भी उनके पास इकट्ठी हो जाती है। तो मेरे पास भी बहुत सारी कतरन, बहुत दिनों से मैंने इकट्ठी करके रखी है, फेंकने का भी मन नहीं करता है। तो आज ये सारी जो कतरन हैं, जो पुराने कपड़े हैं, उनका सभी का यूज हो जाएगा। और आप में से बहुत से लोग जो भी सिलाई करते हैं तो उनके पास भी इस प्रकार की कतरन होगी, कुछ पुराने कपड़े होंगे। तो आपके पास अब जो भी है बेकार चीज़ें, जो भी है बेकार जो कपड़े हैं, तो सभी को आपको इस नाइटी के अंदर इस प्रकार से ये देखिए भर देंगे। तो मैं सारी कतरन को पहले इसके अंदर भर देती हूँ। तो इस नाइटी के अंदर आपके पास जो भी बेकार पुराने कपड़े हैं, पुरानी जो कतरन है, तो सब आप इस ये देखिए नाइटी के अंदर इस प्रकार से भर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे मेरे पास जो साड़ियाँ हैं जो पुरानी हो गई हैं, जिनको मैं नहीं पहनती हूँ, तो मैंने उनको भी इस प्रकार से भर दिया है। जो कतरन है उनको भी मैं भर दूंगी, और बहुत सारी कतरन, बहुत सारी साड़ियाँ इसके अंदर आ जाएगी। और आपके पास में जितने भी पुराने बेकार कपड़े हैं सभी का यूज हो जाएगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर पुराने कपड़ों को भर के रेडी किया है। तो ये देखिए इस प्रकार से जो भी बेकार कपड़े हैं सब इसके अंदर हमको इस प्रकार से भरते जाना है, और बहुत सारे कपड़े इसके अंदर आपके आ जाएंगे। तो मैंने अब इस नाइटी के अंदर जो भी कतरन थी तो उसको इसके अंदर मैंने भर दिया है। अब इसके अंदर फ्रेंड्स ना, आप बच्चों के पुराने कपड़े भी रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों के जो बहुत ही जल्दी जल्दी जो कपड़े होते हैं छोटे हो जाते हैं, तो उनको भी आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारे कपड़े इसके अंदर आपके आ जाएंगे, और ये देखिए कितने सारे कपड़े मैंने इसके अंदर भर दिए हैं। तो एक नाइटी पे ना आप बहुत सारे, आपके घर पे जितने भी पुराने कपड़े हैं तो सारे कपड़ों को आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और एक डोरी लेना है, और ये देखिए इस प्रकार से अब ऊपर की तरफ हमको बांध देना है। तो बहुत ही इजी तरीका है। तो ये देखिए इस प्रकार से बांधना है, और अब हम इसे पलट देंगे। तो ये देखिए पलटने के बाद ये कितना प्यारा सा हमारा फ्लोर सोफे के जैसे बन के रेडी हो गया है। तो आप इस फ्लोर सोफे का यूज, आप भी इस पे बैठ सकते हैं, बच्चों के काम भी ये बहुत आएगा। जैसे आपके बच्चे टीवी वगैरह देखने के लिए इस फ्लोर सोफे का यूज कर सकते हैं, और कोई भी नहीं कहेगा फ्रेंड्स कि इसमें आपके पुराने कपड़े हैं, और देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो एक पुरानी नाइटी का आप इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं, और कहीं भी छोटी सी जगह पे ये आ जाता है। तो आइडिया कैसा लगा है कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा।
एक नाइटी के अंदर आपके बहुत सारे पुराने बेकार कपड़े आ जाएंगे। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक दूसरी नाइटी ले ली है और इस नाइटी को पहले हम उल्टा कर लेते हैं, तो इससे भी हम कुछ बना के रेडी करेंगे। और बिल्कुल इजी तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो ये देखिए, पहले तो इसको हम पलट लेते हैं, और जैसे हमने पहले गठान लगाई थी ऊपर की तरफ, तो वैसे ही हम ये देखिए इस प्रकार से कपड़ों को पकड़ना है और एक डोरी लेना है, और फिर हम अच्छे से टाइट बांध लेंगे इसे। तो ये देखिए, इस प्रकार से अच्छे से बांध लेना है और बस हमारा ये कवर बन के रेडी हो जाएगा। और इसे आप ना बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, और बिल्कुल आसान तरीका है। और बताइए, आप एक पुरानी बेकार नाइटी को बहुत सारे तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो सिलेंडर है, तो आप इसको इसके कवर के जैसे भी यूज कर सकते हैं, और आपका जो सिलेंडर है वो भी बहुत ही सुंदर लगने लगेगा और गंदा भी नहीं होएगा। तो ये देखिए, इस प्रकार से आप पुरानी बेकार नाइटी का यूज कर सकते हैं। तो एक आइडिया तो ये हो गया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार की जो हमारी राशन रखने की जो टंकियां होती हैं, तो आप इस नाइटी को उसका कवर के जैसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार से आप अच्छे से कवर के जैसे इसका यूज कर सकते हैं, और आपकी जो टंकियां हैं वो भी देखने में अच्छी और सुंदर लगेंगी। तो ये देखिए, इस प्रकार से है ना, आप पुरानी बेकार नाइटी का यूज आप ये जो राशन की जो टंकियां होती है उनके कवर के जैसे भी कर सकते हैं। और जब भी ये कवर गंदा होगा तो आप इसको धो के फिर से यूज कर सकते हैं। हम में से बहुत से लोगों के घरों पे इस प्रकार का टेबल फैन होता है, और इसको भी हम गंदा होने से बचा सकते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार से इस नाइटी को हमको इस प्रकार से कवर के जैसे चढ़ाना है, और बस पीछे की तरफ हम एक गठान लगा देंगे, या फिर आप किसी डोरी से बांध भी सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले तो इस प्रकार से अच्छे से इसे कवर के जैसे हम चढ़ा देंगे सामने की तरफ से, और फिर पीछे की तरफ हम एक गठान लगा देंगे, या फिर आप किसी भी डोरी से बांध दीजिएगा, तो ये कवर के जैसे बन के रेडी हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लग रहा है, और आपका जो फैन है वो गंदा भी नहीं होगा। और जब भी ये कवर गंदा हो जाएगा तो आप इसे धो के फिर से यूज कर सकते हैं, और बस सिंपल सी छोटी सी गठान लगाना है और आपका ये कवर बन के रेडी हो जाएगा। कोई भी आपको मशीन का यूज नहीं करना है, बस छोटी सी टिप्स से, तो जिसका यूज करके आप ये देखिए इस प्रकार का कवर बना के रेडी कर सकते हैं। तो बस एक गठान लगाएंगे हम, और ये देखिए हमारा कवर बन के रेडी हो जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे वीडियोज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आशा करती हूँ फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।